उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की इस रैली में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बना रही है। पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। वहीं पीएम बता दें आपको परेड मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव से पहले ये पहली चुनावी रैली है जिसकी तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां काफी जोरों से चल रही हैं और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रैली को लेकर कहा कि आने वाले 4 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा देहरादून के परेड मैदान में होगी और उनके देहरादून आगमन की खबर से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। इस दौरान अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बीजेपी संगठन से लेकर सरकार स्तर तक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के देहरादून आने को लेकर कहा है कि पीएम यहां कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं जहां पर एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश करेगी। बड़े बड़े बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कई कार्यकर्ता तो मौजूद रहेंगे लेकिन 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की भी उम्मीद है। वहीं तैयारियां जो है पूरी जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में ये पहली चुनावी रैली होने जा रही है।